हेलो, इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे के फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच कैसा होता है और उसमें क्या अंतर होता है। हेलो, मैं हूँ रश्मि और आपका फिर से स्वागत है रश्मि ट्रैवल ब्लॉग पर। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, ये मैं आपको फर्स्ट एसी कोच दिखा रही हूँ। ये पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी है। फर्स्ट एसी कोच में चार बर्थ के छोटे छोटे कमरे होते हैं, जिसको हम लोग कैबिन बोलते हैं। ये है चार बर्थ वाला कमरा और मैं आपको आगे दिखा रही हूँ दो बर्थ वाला कमरा, जिसे हम कूप भी बोलते हैं। और ये है कूप, जिसको लोग कुछ प्राइवेट रूम भी बोलते हैं, कपल रूम भी बोलते हैं। ये मैं थोड़ा सा इनसाइड व्यू दिखा रही हूँ आपको फर्स्ट एसी कूप का। इसमें दो बर्थ होते हैं और गेट भी होता है, जिसको आप अंदर से लॉक भी कर सकते हो। और आप पर्दा लगा के इसको बिल्कुल प्राइवेट रूम की तरह यूज कर सकते हो। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गेट को आप अंदर से लॉक कर सकते हो। इसमें कर्टन भी होते हैं, आप इसको नीचे फोल्ड करके लॉक कर सकते हो और ये बिल्कुल प्राइवेट रूम की तरफ सेफ हो जाएगा। इस कूप के अंदर कोई कैमरा नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ रूम फ्रेशनर दिखेगा आपको। ये रूम फ्रेशनर, इसमें ब्रेकफास्ट डिनर करने के लिए एक टेबल भी होता है और एक डस्टबिन भी होता है। कूप और कैबिन के बाहर कॉरिडोर कुछ इस तरह होता है। तो आप ये देख रहे थे फर्स्ट एसी कोच का इनसाइड व्यू। अब मैं आपको सेकेंड एसी कोच का इनसाइड व्यू दिखाती हूँ। इसमें एक तरफ दो बर्थ होते हैं और दूसरी तरफ भी दो बर्थ होते हैं। इसमें कोई मिडिल बर्थ नहीं होता है। इसमें सामने भी दो बर्थ होते हैं। कुल मिला के सेकेंड एसी कोच बहुत आरामदेह होता है, क्योंकि इसमें कम पैसेंजर आते हैं। सेकेंड एसी कोच काफी स्पेसियस है, इसमें चार लोग ही बैठते हैं, तो बहुत स्पेस है इसमें। अब मैं आपको कुछ सुविधाएं दिखा देती हूँ जो सेकेंड एसी कोच में देखने को मिलेगा आपको। ये हर सीट के आगे आपको, हर सीट के पास आपको रीडिंग लाइट देखने को मिलेगा। तो ये तो था सेकेंड एसी कोच। अब मैं आपको थर्ड एसी कोच की तरफ ले चलती हूँ। तो ये रहा थर्ड एसी कोच, जिसमें एक तरफ तीन बर्थ रहता है और दूसरी तरफ भी तीन बर्थ रहता है। इसमें मिडिल बर्थ भी होता है, जिसको पैसेंजर रात में सोने के लिए यूज करते हैं और सुबह सुबह वापस फोल्ड कर देते हैं। अब मैं आपको ये दूसरी तरफ दिखा रही हूँ कि मिडिल बर्थ को फोल्ड करने के बाद कैसा दिखता है। सेकेंड एसी कोच के मुकाबले ये थोड़ा कंजेस्टेड होता है, क्योंकि आमने सामने मिला के इसमें 6 पैसेंजर बैठते हैं। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सेकेंड एसी ज्यादा बेहतर है थर्ड एसी के मुकाबले। इसमें भी हर बर्थ के आगे एक रीडिंग लाइट होता है और साथ में एक मिरर भी होता है और चार्जिंग पॉइंट भी। ये तो मैं आपको एक खाली कोच दिखा रही थी, अब मैं आपको एक थर्ड एसी कोच का भरा हुआ कोच दिखा रही हूँ। ये मालवा एक्सप्रेस का थर्ड एसी कोच है। आपको थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा होगा। तो
ये था थर्ड एसी कोच। अब मैं आपको स्लीपर कोच दिखाती हूँ। स्लीपर कोच और थर्ड एसी में थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको आगे वीडियो में बता रही हूँ। स्लीपर कोच में फैन लगे हुए होते हैं और बाहर की तरफ खिड़कियाँ खुली हुई रहती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। आइए मैं आपको जनरल कोच दिखाती हूँ। तो ये है जनरल कोच जिसमें काफ़ी भीड़ होती है। कोविड के टाइम पे तो इसमें भी सीट रिजर्वेशन होता था। ये मैं आपको मालवा एक्सप्रेस का जनरल कोच दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।